सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। सो बेटा, जैसे आप सभी को पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हमने काफी चीजें इसमें कवर कर रही थी। आज हम इसमें देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसके बाद हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी एक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले मुझे ना जल्दी से सभी बच्चे ये बता दो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है, और स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर दोनों चीज हो रही है ना अच्छे से तो यस लिख देना, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, सो पिछली क्लास में बेटा हमने एग्जैक्टली हमने देखा क्या था, कि हमने ये देखा था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो होता क्या है, ठीक है, और पॉलिनोमियल और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल भी आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट कैसे होते हैं, एक स्पेशल टाइप के, मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल टाइप के एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो स्पेशल टाइप क्या थी बेटा, मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज बच्चा होल नंबर। मतलब जब भी हमारा पॉलिनोमियल होगा ना, तो उसकी पावर हमेशा कैसी होगी, एक होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब क्या है बेटा, 0, 1, 2, 3, मतलब कहने का क्या है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल आता है ना, तो उसकी जो पावर होती है वेरिएबल्स की, वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी बटे में नहीं होगी, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे को ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद हमने देखे थे टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। सो आज हम क्या देखेंगे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चे, कि एक मिनट मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना बेटा, सेम वही है, डिवाइड करना लेकिन दो पॉलिनोमियल को, ठीक है, डिवाइड करना लेकिन दो पॉलिनोमियल को कैसे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, और जिसको जहां ना समझ आए बेटा बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझ आना भी चाहिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक है मेरे पास gx इज इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। सो बेटा आपको क्या करना है, आप जैसे आपको याद है, मान लीजिए मैं बोलती हूँ 16 को ना 4 से डिवाइड करो, अगर मैं आपको ये बात बोलती हूँ तो आप क्या करते हो, 4 के टेबल में देखते हो 16 कैसे कितना आता है, तो आपको तो 4 का टेबल यहाँ पर याद है, है ना। 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हर बार अलग होंगे, तो उनके तो आपको नहीं आते टेबल, तो आपको मान लो इस पॉलिनोमियल को इससे भाग करना है। तो पहले तो ना बेटा ये चीज याद रखो, हमेशा ना एक वे होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, तो सबसे पहले बड़ी पावर लिखो, फिर उससे छोटी पावर, फिर इससे छोटी पावर, ये आपको करना है। तो जैसे मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 3x^2 जमा मतलब प्लस एक्स माइनस 1, मतलब एक प्रॉपर उसमें लिखोगे, पहले स्क्वायर वाला, फिर उससे पहले प्रॉपर x^2, फिर बिना एक एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और इसको मैंने एक प्रॉपर वे में पहले हमने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब मुझे नहीं पता इसके पहाड़े में ये कब आएगा, हमें नहीं पता, हमें इसका पहाड़ा थोड़ी आता है, टेबल थोड़ी आती है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या करूंगी, इसका उठाऊंगी 3x^2 और इसका उठाऊंगी एक्स पहला, और मैं इससे डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास आया 3x, ठीक है। तो 3x जो ये आया ना बेटा, ये है कि मैं इस टेबल, इसके टेबल को इतनी बार करूंगी, तो मैं बेसिकली यहाँ क्या कर रही हूँ, चार फोर फोर जा कर रही हूँ ना, चार को चार बार गुना कर रही हूँ, तब मुझे 16 मिल रहा है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। 3x को बेटा x प्लस 1 से गुना करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 3x^2 प्लस, फिर 3x की 1 से करेंगे तो 3x, ठीक है। सो यहां से मेरे पास आया 3x^2 प्लस 3x। अब मैंने क्या किया, अब हमें इसमें से माइनस करते हैं ना, यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब 3x^2 में से 3x^2 गया, कितना बचेगा, 0, तो ये तो कट गया। अब यहाँ कितना है x है, और यहाँ माइनस का 3x, क्योंकि साइन चेंज हुआ था ना,
एक्स में से माइनस थ्री एक्स गए। अच्छा कितने बच्चों को, बेटा मेरी कट कट के आवाज आ रही है, एक बार चैट सेक्शन में बताओगे क्या मेरे कितने बच्चों को मेरी वॉइस कट कट के आ रही है, एक बार बता दो। जिनको आ रही है ना बस वो बच्चे लिख दो, यस यस कर दो, बाकी कोई बच्चा मत लिखो। जिनको क्लियर है वो मत लिखना, जिनको क्लियर नहीं आ रही है वो बता दो, ठीक है। तो बेटा मैं ऐसे करती हूँ, मेरे को मुझे लग रहा है ना बारिश भी हो रही है ना, तो उसलिए भी इश्यू हो सकता है। बाकी मैं ना आपको रेंज थोड़ी आ जाए, मैं थोड़ी देर कैमरा बंद करती हूँ, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं आ रही है ना तो मुझे बताना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा लोड कम पड़े आपके डेटा पर, ठीक है। ओके सो मैंने अब यहाँ पर क्या किया बेटा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, वन में से थ्री को घटाएंगे तो बेटा हमारे पास टू आ जाएगा, टू एक्स माइनस का टू एक्स, क्योंकि बड़ा थ्री एक्स है ना, तो माइनस का टू एक्स। फिर मैंने यहाँ लिखा, ऊपर वाला नोट डाउन कर लो, ठीक है, माइनस वन, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अब किस पे जाएगा, फिर से मैं वही प्रोसेस लिखूंगी, फिर से मैं वही प्रोसेस करूंगी कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी टू एक्स और यहां से करूंगी x से डिवाइड, तो मुझे मिला माइनस टू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, माइनस x कहां से आया, कौन सा बेटा, ये ऊपर था ना क्वेश्चन में ही था ना, लेकिन मैम इसमें से तो माइनस थ्री एक्स कट गया था। माइनस थ्री एक्स बेटा किसमें से कटा था, x में से कटा था बच्चे, x वाले में से x वाला कट सकता है ना, वन में से नहीं कट सकता, x वाला x से ही कटेगा, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले से ही कटेगा, ये मतलब घटाव कर सकते हो जोड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर मैम नीचे तो माइनस x कैसे आया, कौन सा माइनस x, माइनस x कहाँ आया, लिख रखा है मैम आपने माइनस टू एक्स के बाद। अच्छा सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है ठीक, माइनस वन ही आएगा, सॉरी, ठीक है ठीक है, सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, माइनस वन ही आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा माइनस टू आ गया, अब मैं देखो माइनस टू पे जा सकती हूँ, ठीक है। अब मेरा मल्टीप्लाई करूंगी एक्स प्लस वन को माइनस टू, मुझे मिलेगा माइनस, क्या बेटा मैम आज मेरा नेट जल्दी खत्म हो जाएगा, मैम आज नेट जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना जिनका नेट का प्रॉब्लम हो जाए। आज मुझे थोड़ा सा बेटा, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि बारिश हो रही है, सो बेटा कोशिश ये करो जितने बच्चे आवाज मेरी जिनको क्लियर आ रही है वो ध्यान से सुन लो, और बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग के थ्रू देख लेना बेटा, ठीक है। बाकी मैं जितना कर पा रही हूँ मैं कोशिश करूंगी कि आप तक प्रॉपर पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे पास ये आ गया, मैंने साइन चेंज करे, इससे ही कट गया, यहाँ से मेरे पास आया प्लस का एक, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। जब भी रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है ना बच्चे, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो इट मींस वो उसका फैक्टर नहीं है। तो मैं अभी ये क्या कहूंगी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, वन प्लस एक्स ये फैक्टर है इसका, ठीक है, ये फैक्टर है इसका। अभी ये तो ये फैक्टर है ही नहीं क्योंकि हमारे पास तो रिमाइंडर वन आया है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, जरा बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, समझ नहीं आ रहा है आप बेटा, आवाज कट कट के आ रही है, इस वजह से कह रहे हो क्या? नो मैम, दोबारा बता दूं, स्क्रीन नहीं आ रही किसी को, स्क्रीन नहीं आ रही किसी को, आवाज आ रही है मैम पर समझ नहीं आ रहा मैम, ठीक है मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, रिपीट कर दूं, ठीक है। मैं एक बार ना स्क्रीन कुछ बच्चों को दिख नहीं रही है, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ, मैम स्क्रीन कहाँ गई अभी बेटा, एक बार मैंने स्टॉप करी थी, अब देखो क्या अब मेरे सभी बच्चों को स्क्रीन अच्छे से आ रही है, पहले अब मुझे बताओ, तब की मैं स्टार्ट कर लूं दोबारा से। हाँ बेटा बोलो, आ गई सबको, आ गई, अब चले आगे, बढ़ सकते हैं आगे, चलो yes, ma'am. ठीक, चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को बच्चे बोलो रिपीट कर दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन हमारे पास है जो है वो है, P of x मतलब एक पॉलिनोमियल उसमें जो हमें गिवन है दैट इज 3x square
प्लस एक्स माइनस वन। आपको डिवाइड किससे करना है बेटा, एक्स प्लस वन से। ओके, एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर डिवीजन वाला मेथड पूरा यहाँ लिख लिया। अब मुझे देखो टेबल होती है ना, उसको तो आपको पता होता है कितने टाइम करना है और क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, हर बार ना जो नंबर जिसको करना है उसका पहला टर्म यहाँ लिख देते हैं और इसके पहले टर्म से उसको डिवाइड करते हैं। क्या आया, 3x आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 3x ऊपर लिख दूंगी और इस 3x को मल्टीप्लाई करूंगी x प्लस वन से। ठीक है, पहला स्टेप डिवाइड किया, दूसरा गुना किया, तीन के तीन एक्स की गुना x से करेंगे बेटा 3x स्क्वायर आएगा, और 3x की गुना 1 से करेंगे तो बेटा 3x आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आया 3x स्क्वायर जमा 3x। अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस लगाया। ठीक है, क्योंकि जब घटाते हैं बेटा माइनस साइन आता है, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे के, तो ये प्लस का ये माइनस ये तो कट गया। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स है या माइनस, एक्स को माइनस थ्री एक्स किया, एक प्लस का एक माइनस का माइनस होगा, तो माइनस का टू एक्स आ गया। माइनस का टू एक्स लिखा और माइनस का वन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे कि अब किस पे जाएगा, फिर से मैंने क्या लिखा, माइनस टू एक्स लिखा और वन एक्स से कर दिया, तो कितना आया, माइनस टू आ गया। फिर मैंने यहाँ माइनस टू लिख दिया। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, तो माइनस टू को मैंने एक्स प्लस वन से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एक्स माइनस टू आया, माइनस टू एक्स माइनस टू लिखा, फिर से साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस का वन आ गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर, क्योंकि इससे आगे कुछ ऊपर है ही नहीं। क्या अब मेरी बात समझ आई है मेरे सभी बच्चों को, साइड में लाइन खींच के रफ वर्क जरूर करो। ठीक है, इससे आपको गलती कम होगी बेटा, वरना गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्या मेरी मेरे सभी बच्चों को बात समझ आई है, अगर आई है तो यस लिख दो, और फिर मैं एक दो क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आपके पास जो है P of x यानी कि पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है 3x, yes, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और करना किससे है बेटा, डिवाइड आपको x माइनस 1 से। अच्छा, डिवाइड करने पे बेटा जीरो आ जाए ना, अगर रिमाइंडर तो हम कहते हैं वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, यही होता है ना, मीनिंग जो हमारा नॉर्मल होता है, अगर मैं 4 को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि उसका मल्टीपल है, मतलब उसका फैक्टर होगा, वही चीज यहाँ पर है। चलो करो जरा और मुझे बताओ, ट्राई करो सभी बच्चे कॉपी के अंदर और मुझे बताइए, बाकी मैं साथ साथ आपको करती भी जाती हूँ ताकि आपको हेल्प मिलती जाए। हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको, ठीक है, मैंने लिखा 3x की पावर 4 डिवाइड करेंगे x से, एक x से एक x कट गया तो 3x बचा ना, तो 3x की पावर 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x की पावर 3। अब यहाँ पर लिखने के लिए मुझे गुना करना पड़ेगा, 3x की पावर 3 को x माइनस 1 से गुना किया, तो पहले मैंने 3x इसको गुना किया तो क्या आएगा, 3x की पावर 4, और इसको इससे गुना करेंगे तो 3x की पावर 3, ये आ गया। ओके, तो यहाँ से मुझे मिला 3x की पावर 4 माइनस 4x की सॉरी 3x की पावर 3। ठीक है, अब साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कट गया। यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का कितना आ जाएगा, x की पावर क्यूब, बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो माइनस का ऊपर से उतारा माइनस 3x। ठीक है, माइनस 1, अब फिर से वही फॉलो करेंगे हम, क्या करेंगे, माइनस का 3, ठीक है, बटे में बेटा x काटा, कितना आया माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर यहाँ लिखा। अब यहाँ लिखने के लिए गुना करना पड़ेगा, माइनस x स्क्वायर को गुना किया x माइनस 1 से, कितना आ गया, x स्क्वायर को x से करेंगे माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर,
ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, अब माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं ऊपर, तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, हमेशा जितनी पावर होती है ना वही पावर वाला उससे कट गुना ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उससे अलग पावर या कम पावर वाला नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर जब घटाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, अब इस एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं है तो मेरा ये होगा ही नहीं, सिंपल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 3x माइनस में 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से हम दोबारा से वही फॉलो करेंगे बच्चा। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर से वही ज्वाइन कर लीजिए बेटा, रिज्वाइन करो एक बार, एक्स स्क्वायर को हम x से करेंगे तो मुझे यहां से मिला x, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया माइनस एक्स। अब गुना करके आएगा क्या, तो वो हम देख लेते हैं बच्चा। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे मेरे को नोटबुक दिखा रहे हैं ना, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। ठीक है, मैंने फिर से किया, मेरे पास x आ गया, x की मैं माइनस वन से किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया, फिर साइन चेंज, कट गया, यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, माइनस दो एक्स माइनस वन। ठीक है, मैंने आप इसको फिर से किया, माइनस दो एक्स, ठीक है, और एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हुई है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा, यस माइनस का स्क्वायर होगा ना, यस माइनस का आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है बच्चे करते हुए, एक मिनट, यहाँ से आगे देख लेते हैं, यस है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस का था, हमने माइनस से किया था ना, माइनस एक्स माइनस स्क्वायर से, यस एक मिनट सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर आया था ना, जब हम इसको एक्स माइनस वन से करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का तीन माइनस ये, तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, राइट, सो माइनस एक्स से मेरे पास यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को जब गुना करेंगे एक्स माइनस वन से तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यानी कि प्लस एक्स, सो मेरे पास यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट, सो अब मैंने क्या किया, फिर से किया इसको सॉल्व, तो यहाँ से मेरे पास साइन चेंज प्लस माइनस, तो माइनस फोर एक्स माइनस वन, अब फिर से क्या किया, माइनस फोर एक्स है अपॉन में एक्स किया, माइनस फोर आ गया, तो यानी कि ऊपर मेरे पास जाएगा क्या बच्चे, माइनस फोर, अब गुना करेंगे फिर से, गुना किया मैंने तो मैंने माइनस फोर की गुना कर दी बेटा किससे, वही एक्स माइनस वन से, तो यहां से मेरे पास क्या गया, माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, तो माइनस फोर एक्स माइनस प्लस फोर, अगेन साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस फाइव हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, जितने बच्चों ने भी लिखा था ना बेटा माइनस फाइव, बिल्कुल सही था। अब मुझे ये बताओ क्या ये प्रोसेस आप लोगों को समझ आया है सभी को, या किसी बच्चे को डाउट, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, आप इन क्वेश्चन को ना, इसमें ना हर बार वही हो रहा है, पहले आप डिवाइड करो, वो नंबर मिल गया जिससे गुना करना है, गुना करके वो लिख दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर दूसरा नंबर, फिर डिवाइड करो, फिर वो जो नंबर है ऊपर लिख दो, फिर गुना करके नीचे कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर ना मिल जाए, ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोबारा, हाँ दोबारा रिपीट करो, ठीक है, नो मैम, की वैल्यू वन भी तो आ सकती है, एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, और फिर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहां पर आ जाएगा वन, और रिमाइंडर तो मैम इजीली भी आ सकता है। कैसे, क्या क्या, मैं समझी नहीं आपकी बात, दोबारा रिपीट करो। ये एक्स माइनस वन है तो एक्स एक्स की वैल्यू वन भी तो आ सकती है, वन भी आ सकती। अच्छा दूसरा मेथड बता रहे हो बेटा, मैं अभी लॉन्ग डिविजन मेथड समझा रही हूँ, वो बात आपकी ठीक है कि आप जीरोस निकाल दो और जीरोस को दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ये कह रहे हो ना आप,
yes, मैं अभी बताऊंगी बेटा, वो दूसरा मेथड है, वो भी सिखाऊंगी अभी। अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी को बता रही हूँ कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो अभी यस, जो बच्चे ने कहा कि मैं वो भी बता रही हूँ बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया बेटा, ये जितनी बार आप करोगे ना प्रैक्टिस, उतना बेटा आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, मैं इसका जो दूसरा मेथड है वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लो वो कहता है क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं उसको दोनों तरीके से बता दूंगी आप, ठीक है। जिन बच्चों को अभी डिवाइड वाला नहीं समझ आ रहा है ना, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि आपके पास ना दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस 3 सॉरी x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। वो कहता है इसको डिवाइड, इसका दूसरा जो जिससे डिवाइड करना है वो x माइनस 1 है, ठीक है। इसको अभी हमने लॉन्ग से करा, इसी को किया था क्या, दूसरा था वो, सॉरी, है ना। So, या तो मैं इसको एक तरीका वही अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूं, ठीक है। x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। मैं सिंपल वही डिवाइड करूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, फिर वहां लिखूं, ऐसे ऐसे लॉन्ग मेथड से करती जाओ। दूसरा बेटा मेथड क्या होता है, अच्छा ये आपके पेपर में लिखा होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है या कुछ नहीं लिखा, तो आपको बस बता देना होता है। वो पूछता है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले g ऑफ x का ना जीरोस निकाल दोगे। वो तो सबको आता है ना जीरोस निकालना, क्या करते हैं हम जीरोस निकालते हैं तो इक्वल टू जीरो रख देते हैं, राइट। तो मैंने इसके इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को ना बेटा p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, क्या करूंगी, p ऑफ x के अंदर रख दूंगी, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रख दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ओके। सो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, 1 ही आ जाएगा, किसी की 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आता है। तो यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 1, सो यहाँ से 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 0 प्लस 2 इज इक्वल टू योर 2। तो मतलब कहने का क्या है, अगर आप जब वैल्यू रख रहे हो, अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कहोगे यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब g ऑफ x जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। लेकिन अगर जीरो नहीं आ रहा, जैसे यहाँ जीरो नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, इसका फैक्टर नहीं है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई है सभी बच्चों को? अब इसी को मैं बेटा लॉन्ग डिवीजन से भी करके दिखाऊंगी, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो मैम। हाँ बेटा कर लो, कर लो, कर, ठीक है, ओके बेटा। जिन बच्चों को नेटवर्क का इश्यू हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ज्यादा इश्यू हो रहा है, नहीं आप स्क्रीन आ रही है, वो हो रही है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जिन बच्चों का नेट का खत्म होने वाला है उनसे भी यही है बेटा, आप फिर रिकॉर्डिंग को बोरो कर ले, मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा मैंने क्या बताया आपको कि मान लो उसने बोला दो, आपको दो पॉलिनोमियल दे दिए। हाँ बेटा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अब नेटवर्क वेदर ठीक नहीं है ना, तो सबके में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो वो बोल रहा है बेटा, जैसे मान लो p ऑफ x है, आपको पूछ रहा है वो g ऑफ x जो है वो फैक्टर है या नहीं, g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो एक तो मेथड बेटा मैंने बता दिया आपको रिमाइंडर वाला, की पूरा लॉन्ग डिविजन मेथड करो और उसको देख लो, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड में क्या बोल रही हूँ बेटा, आप क्या करो कि g ऑफ x का ना पहले जीरोस निकाल लो। अब जीरोस तो मेरे हर बच्चे को निकालने आते हैं ना, कि हम क्या करते हैं उस किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो x आया इज इक्वल टू 1 वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसे मैं बेटा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ठीक है, p ऑफ x में मैं यहाँ पर रख दूंगी। अब यहाँ रखने के बाद अगर मेरे पास आंसर जीरो आ जाता है तो मैं कहूंगी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो वो इसका फैक्टर नहीं है। देख लेते हैं, x 1 की पावर स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 की पावर 4 का मतलब ही 1 ही होता है, 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 1 को 4 ही 1 ही आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी 1 ही आएगा, है ना। यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, प्लस 2, 2 यहाँ से आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बच्चों, अब समझ आया बेटा?
यस मैम, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे। फिर मैं इसका अब आपको लॉन्ग डिवीजन भी बता देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए। ये दोनों मेथड एक ही है। अच्छा, पेपर में मेंशन होता है कि आपको किस मेथड से करना है। अगर नहीं मेंशन है तो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर वो बस सिर्फ ये बोल रहा है कि ये बताओ कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो बेस्ट है आप इससे कर दो, ठीक है। अगर वो नहीं बता रहा है तो फिर अगर उसने मेंशन किया कि लॉन्ग डिवीजन से करना है, तो बेटा फिर तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। यस बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? मैम ये बीच में मैम ऑड पावर है तो मैम माइनस वन नहीं आएगा यहाँ पर। बेटा माइनस वन है ही का, लेकिन हम तो वन रख रहे हैं ना। मैम पावर मैम ऑड है तो मैम इसलिए माइनस नहीं आएगा यहाँ। नहीं बेटा, वो तब होता है जब माइनस के नंबर होते हैं। अब वन का चाहे मैं, अच्छा वन की पावर थ्री का मतलब वन इंटू वन इंटू वन ही तो हुआ, और वन की पावर टू का मतलब वन इंटू वन ही हुआ। वो आप ये बोल रहे हो ना, इस बार वो माइनस वन में हो, कि मैं अगर माइनस वन को पावर इवन है तो मेरे पास प्लस का आएगा, अगर ये पावर माइनस की हो जाती तो तब माइनस का वन आता। ओके, ये तो वन रख रहे हैं ना, वन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। चलो अभी इसी क्वेश्चन को ना बच्चा लॉन्ग डिवीजन से और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। फिर हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। सो मैंने अगर यहाँ पर बेटा ये लिखा x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस x की 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना है हमें? x माइनस 1 से। चलो अभी करते हैं इसको, इसको करते हैं साइड। अब हम लिखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करने हैं। अभी मेरे पास क्या है, x की पावर 4 लिखूंगी मैं, ओके, और डिवाइडेड में है x, तो यहाँ से मुझे मिल गया x की पावर क्यूब, मतलब पहला तो मुझे मिल गया किससे गुना करना है। तो मैंने इससे गुना कर दिया x माइनस 1 को, x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब। अब मेरे को क्या करना है, माइनस, तो साइन चेंज कर दूंगी और दोनों प्लस प्लस होके 2x की पावर क्यूब बना देंगे। ऊपर से मैं सारा उतार लूंगी। अच्छा, इतना समझ आया है? चलो स्टेप वाइज देखते जाते हैं, जितना जितना समझ आता जाता है ना, ताकि सभी को समझ आ जाए। इतना सभी को समझ आया क्या यहाँ तक मैंने क्या किया? फिर आगे बढ़ेंगे। इतना सबको समझ आया अच्छा आ गया। हाँ बेटा, x की पावर 4 कैसे आ गया, एक बार दोबारा बताना। x की पावर, अच्छा यहाँ पर गुना करने पे बेटा x की पावर 3 की गुना मेरे को x की पावर x से करनी है, तो बेटा 3 पावर पहले ही है तो एक और ऐड हो गई तो 4 हो गई ना, इसलिए 4 आ गया। और यहाँ पर x की क्यूब का गुना आपने माइनस x से किया तो माइनस x की क्यूब आया। अब समझ आया? इसकी गुना x से कर दी, इसकी गुना हमने 1 से कर। जब बेटा ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होते ना उससे इंडिविजुअली गुना होती है। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चा? क्लियर हुआ ललित की आईडी से बेटा? चलो आप इससे आगे देख ले। हाँ, इससे आगे फिर हम देख लेते हैं अगला। अगला अब हमें क्या देखना है बेटा, अब हमें लेना है x 2x क्यूब, है ना, 2x क्यूब। अब डिवाइड करेंगे किससे, वही x से, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है ना। तो मैंने देखा कितना आ गया, 2x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ प्लस लिखा, 2x स्क्वायर लिख दिया। चलो अब क्या यहाँ पर लिखने के लिए गुना करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से x माइनस 1 को, कितना आया 2x स्क्वायर को x से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक x स्क्वायर ऑलरेडी, एक और x आ गया तो क्यूब हो गया, माइनस 1 की गुना 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। मैंने यही लिख दिया, माइनस कर दिया, यहाँ प्लस का था तो माइनस साइन हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, ये तो कट गया। अब यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, देखो ये भी कट गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये तो कट ही गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। चलो अभी सिर्फ इतना ही है, तो फिर देखते हैं x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1, इस x को इससे डिवाइड किया 1 आया। चलो अभी 1 को कर देते हैं, मैंने 1 को किया मल्टीप्लाई x माइनस 1 से तो मुझे x माइनस 1 ही मिलेगा, तो मैंने लिखा x माइनस 1, अब सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस साइन, प्लस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, रिमाइंडर देख लो, 2 आ गया रिमाइंडर बच्चों, और रिमाइंडर 2 आ गया मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, और वो हमने साथ वाले में भी देखा था, उसमें भी अलग आ रहा था आंसर। क्या ये बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है? देखो यहाँ भी 2 आ रहा था, देखो दोनों में सेम आ रहा है, मैं साथ ही स्क्रीन दिखाती हूँ, देखो
इस वाले मेथड से करा तब भी टू आया, इससे किया रिमाइंडर तब भी टू आया। है बेटा क्या बोला? क्या बोल गए बेटा? रिपीट कर दो, नहीं समझ आया मुझे। देखो दोनों मेथड से किया, आंसर समझ आया मैंने, इसीलिए दोनों साथ साथ करके दिखाया ताकि आपको समझ आए। यहाँ पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। लॉन्ग डिवीजन बोलता तो लॉन्ग डिवीजन से कर दो, अगर नहीं बोलता तो आप इस फैक्टराइजेशन से करो। सिंपल जीरोस निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, जीरो आ गया, फैक्टर है, नहीं आया नहीं है फैक्टर। समझ आया बच्चों? यस और नो? हाँ बेटा सुन रही, बोलो तो। मैम पहला प्रश्न नहीं आया और दूसरा आ गया। मैम दूसरा क्वेश्चन आ गया पहला। अच्छा, मेथड समझ आया ना बेटा? मेथड इम्पोर्टेंट है, समझ आ गया ना मेथड क्या करा हमने? यस मैम। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब वो कहता है, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास p ऑफ x, x रेस टू की पावर क्यूब। बेटा किसका कैमरा माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो, इससे ना नॉइस होती है, फिर रिकॉर्डिंग में भी नॉइस आएगी, प्लीज बंद कर लो, ठीक है? एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि मेरे पास एक फैक्टर है x + 1, ठीक है? आपको ये बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, फैक्टर है या नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करो। दोनों में से कोई भी यूज करो, चाहे लॉन्ग डिवीजन कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो, करो करो और फिर मुझे बताओ जल्दी से, फिर डिस्कस करेंगे। कॉपी में करोगे मैम? हाँ बताऊं? आइडेंटिटी बता दूं? हाँ आइडेंटिटी मैम, आइडेंटिटी। बेटा इसमें आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है, इनमें आई भी आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है। सिंपल इसमें आपको ये बताना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं। अच्छा आप मुझसे कह रहे हो कि मैं आइडेंटिटीज बता दूं? इसका फैक्टर है मैम ये। यस मैम, हमने मन में ही सोच लिया मैम। यस मैम है जी, इसका फैक्टर है ये, इसका फैक्टर है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, देख लेते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया, 10x + 1 = 0 किया, x = -1 आ गया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 जहां x की जगह पे -1 रख दिया, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है? मैंने -1 रखा, -1³ + 3 - 1² + 3 - 1 + 1, ठीक है? तो आप देखो ये -1³ का मतलब क्या हुआ, -1 - 1 - 1। अब एक किसी का भी इवन ऑड टाइम माइनस है तो कितना आएगा, -1, ठीक है? तो -1 + 3 - 3 + 1, सो यहाँ से देखो कितना आ गया मेरे पास, -1 - 3 - 3 + 3 जीरो हो जाएगा, तो 0 और +1, यहां से मुझे देखो 0 मिल रहा है। यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, x + 1 इज फैक्टर ऑफ द पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल। इतना क्लियर हुआ क्या? इसको लॉन्ग डिवीजन से भी बताने की जरूरत है, यस और नो बता दो जरा, वरना फिर हम स्प्लिटिंग ना मिडल टर्म पे बढ़ेंगे। क्या मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से बताऊं, चैट सेक्शन में लिख दो, क्या बताऊं कि लॉन्ग डिवीजन से? बच्चों आधे बच्चे यस बोल रहे हैं, आधे नो बोल रहे हैं, क्या बात है? चलो ठीक है, ठीक है चलो बता देती हूँ, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। मेरे पास है बेटा x³ + 3x² + 3x + 1, x + 1 से मुझे करना है। चलो इसको करते हैं साइड और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, सिंपल x³ है, यहाँ लिख दिया, डिवाइड किया x से, x² आ गया, मैंने लिखा यहाँ x². अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखने के लिए इसको गुना करेंगे x + 1 से, ठीक है? इसको गुना किया x³ आया, x² को 1 से किया, x² होता है, ठीक है? तो x³ + x² आ गया, माइनस माइनस ये माइनस, ये प्लस, 3x में से x गया,
थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऊपर से मैंने इसको उतार लिया। चलो अब फिर से वही दोबारा रिपीट करेंगे, 2x square को डिवाइड किया x से, कितना आ गया 2x, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2x, अब फिर से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ लिखने के लिए भी जो चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ लिखा x plus 1, तो कितना आ गया 2x square minus, sorry, plus 2x, तो 2x square plus 2x, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कट गया, ये दोनों माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा x plus 1, है ना। 3x में से माइनस करेंगे 2x, तो x ही आएगा और 3x बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब फिर से x 1, ये तो आपको यहीं से दिख रहा है बेटा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, कि ये 1 पे चला जाएगा, प्लस 1 कर दिया, x प्लस 1 जीरो आ गया, रिमाइंडर देख लो, यहाँ से भी दिख रहा है हमें कि ये फैक्टर है। क्या मेरी बात दोनों मेथड से मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गई है या अभी भी डाउट है? देखो मैंने दोनों मेथड से दिखा दिया, दो तीन क्वेश्चन दिखा दिए आप, तो बच्चे आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो बता दो। मेरे किसी बच्चे को अभी भी डाउट है क्या? नहीं है? आगे बढ़े, वेरी गुड। अगर नहीं है तो चलो अभी देख लेते हैं बेटा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड क्या होता है। ये बहुत अच्छा मेथड है और पता होना चाहिए सभी को। चलो फिर ठीक है। मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है 6x square plus 17x plus 5। अब वो कहता है कि इसको ना इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है, इस क्वेश्चन के फैक्टर। अच्छा ये ना जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है ना कॉन्सेप्ट बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस में ही आप कर सकते हो, मतलब एक स्क्वायर वाला हो, फिर एक बिना स्क्वायर का हो, एक सिंपल हो, ठीक है। और अगर इस पैटर्न में नहीं है ना तो नहीं निकाल पाओगे, तो कोशिश ये हमेशा याद रखना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमेशा एक एक्स का स्क्वायर वाला होना चाहिए, एक बिना एक्स वाला होना चाहिए और एक एक्स वाला होना चाहिए, और इसी पैटर्न में आपको लिखना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न में ही लिखना है आपको। क्यों लिखना है इस पैटर्न में? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो पैटर्न पे बड़ा डिपेंड करता है कि कैसे वो लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये मेथड क्या कहता है बेटा कि आप क्या करो, आप इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 30x स्क्वायर, और बीच में बेटा है 17x, ठीक है। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो, गुना करो तो वो 30 दे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब या तो घटाओ या जोड़ो, तो वो 17 दे, ठीक है। पहले आपको ये सोचना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको एक ऐसा नंबर, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको गुना करो तो 30 आए, 30 आए, और जमा या घटाओ, जोड़ो या घटाओ तो बेटा 17 आए। मैम 15 टू जा 30। हाँ वेरी गुड। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैंने बोला 6 5 जा 30 होता है, फिर मेरा एक बच्चा बोला मैम 3 × 10 भी तो 30 होता है, मैंने कहा वेरी गुड, होता है, बिल्कुल होता है। फिर मैंने बोला, जैसे एक मेरे बच्चे ने बोला भी 15 × 2 भी मैम 30 होता है, मैंने कहा ठीक है चलो, तीन और केसेस ले लिया हमने, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने तीनों केसेस में जब देखा मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आ रहा है, क्या ये ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 दे रहा है? चेक करते हैं। अगर मैंने 6 में 5 ऐड किया तो 11 आएगा, 17 नहीं आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ रहा है, 17 नहीं आया, तो ये तो यही कैंसिल हो गया। दूसरा लिया 3 और 10 को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बनेगा, हमें तो 17 चाहिए, ये भी गलत। 15 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, वेरी गुड, और दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या बनेगा 17। तो मैंने यह लिखा 6x स्क्वायर, अब मैं इसको लिखूंगी यहाँ पर 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब x क्यों लिखा बेटा, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करने पर ना स्क्वायर चाहिए था और प्लस एंड ब्रैकेट में x चाहिए, तो x तो साथ में लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज बेटा, इन क्वेश्चन को करते हो ना साइन का बड़ा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करने पे क्या साइन है, प्लस करने पे, माइनस करने पे साइन क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक सभी को समझ आया क्या, यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ आया क्या? यस और नो?
ठीक है, अब इससे आगे बेटा क्या करेंगे हम, ना इन दोनों नंबरों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो मैंने देखा 6-3 के पहाड़े में भी आता है और 6-5 के पहाड़े में, सॉरी 6-3 के पहाड़े में भी आता है और 15-3 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में 6 और 15 आता है। तो मैंने 3 लिख लिया बाहर और x यहाँ एक बार है या दो बार है, तो एक x बार मैंने बाहर लिख लिया। अब 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पे, तो 2x हो गया, प्लस 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे आता है, और एक x तो पहले ही बाहर है, तो ये आ गया। दोबारा इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो बस बाहर 1 लिख दो, 2x प्लस 1। एक चीज बताती हूँ बेटा, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया है, ध्यान रखना। अगर दो ब्रैकेट के बीच के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं गलत किया। अब ये दोनों सेम है, इनको मैंने बाहर लिख लिया दोनों में से, तो बचा क्या, x प्लस 3x और 1, तो मेरे दोनों क्या आ गए बेटा, फैक्टर हो गए। ये छोटा सा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, रिपीट करना मैम, लॉन्ग टाइम में बहुत, मतलब 10th में भी आपका बहुत यूज होगा और आगे भी यूज होगा, तो ये आपको मेथड आना चाहिए। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो मैम, रिपीट करना इसको। यहाँ तक समझ आया क्या, यहाँ तक समझ आया, यहाँ भी रिपीट करूँ, ये भी रिपीट करूँ दोबारा? यस मैम समझ आ गया, दोबारा से समझा दूँ? ठीक, देखो आपको क्या करना है बेटा, हमें लेना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बोला, क्या हो गया, यस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आपने क्या किया, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपको मिला 30x स्क्वायर। और आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है बेटा, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करो तो 17 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो 17 दे दे, और मल्टीप्लाई करो आप तो 30 दे दे। तो मैंने ढूंढ लिया 15 और 2, ठीक है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, और प्लस का ही है तो मैंने प्लस का 15x ले लिया, प्लस का 2x ले लिया, ठीक है? और यहाँ पर मैंने 6x स्क्वायर ही लिख दिया, और यहाँ पर 5 का 5 लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों में देखा कॉमन क्या है। तो मेरा कॉमन का मतलब क्या होता है ना, कि उसमें से अगर मैं यहाँ पर मान लो बेटा लिख रही हूँ 5 प्लस 25, ठीक है? तो मैंने इसमें से 5 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बनेगा, 5 एक के पहाड़े में आता है, प्लस 25, मतलब इसको गुना कर रही हूँ तो देखो वही बन रहा है। तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, मैं इनमें से देख रही हूँ क्या कॉमन है, 2x दो बार आया या एक बार आया, तो दो बार आया एक बार, तो एक बार दोनों में आ रहा है ना, तो मैं एक बार x बाहर ले लूंगी, और ये 6 और 15 किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में, तो 3 बाहर ले लिया, 3 × 6 होता है, और 1x बचा हुआ है, 1x यहाँ लिख लिया, प्लस 3×5 = 15x लिख दिया। अब समझ आया क्या, या अब मैं दूसरी तरीके से बताऊं, बताओ जल्दी से, इतना समझ आया क्या? यस मैम आ गया, सभी को बता दो एक बार, सारी बच्चे क्लियर हो गए यहाँ तक? ओके ओके ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा प्लस, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, इसको देखो मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 3x और 2x को गुना किया, 3 × 6 और xx x² दे देगा, प्लस में 3x गुना 5x, 5 × 15 और x स्क्वायर हो जाएगा, देखो वही आ गया जो मैंने किया था, है ना? तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ, किस पहाड़े से जा रहा है वो, प्लस किया, इन दोनों में तो बेटा कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने 1 लिख दिया, x प्लस 2, अब 2x में देखा 2x प्लस 5 बेटा किसका है ये, प्लीज बंद कर लो, 2x प्लस 5 मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या 3x और 1 बचा, ये दोनों हमारे फैक्टर हो गए। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस या नहीं? फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी, मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी। सचिन की आईडी से बेटा माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है बच्चे, वो कहता है 12x² - 7x + 1, ठीक है? आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है।
तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया 12 को 1 से गुना किया, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 12 को 1 से गुना किया 12x स्क्वायर, यानी कि 12 मेरे को चाहिए, और प्लस या माइनस करूं तो 7 आना चाहिए, यानी कि 7x आना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया सोचना कि 12 मेरे से किस किस से आ सकता है, तो मैंने किया 12 एकम 12 होता है, ठीक है, 6 दूनी 12 होता है, और 4 तिया 12 होता है ना। फिर मैंने देखा किससे मुझे 7 मिल सकता है, या तो मैं जोड़ूं या मैं घटाऊं, दोनों में से कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, है ना। तो मैंने देखा अगर मैं 12 में 1 घटाऊंगी तो मुझे 11 मिलेगा, जोड़ूंगी तो 13 मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने देखा क्या बेटा, क्या क्या बोलो, क्या बोल जाते हो आप लोग बीच में, रिपीट तो कर दिया करो, मुझे तो नहीं समझ आया बेटा। अच्छा, 6 में मैंने अगर 2 जोड़ा तो 8 बनेगा, घटाया तो 4 बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैंने यह देखा 4 को 3 में जोड़ा तो मुझे 7 मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे ये तो मिल गया, मुझे 4x और 3x चाहिए। अब दोनों को जोड़ना है और माइनस का साइन चाहिए, तो मैं माइनस माइनस लगा दूंगी, क्योंकि माइनस को माइनस से जोड़ देते तो माइनस का साइन आकर जोड़ते हैं, ठीक है, सिंपल बन गया यहाँ से। इतना समझ आया, इतना समझ आया क्या सभी को? फिर आगे बढ़ेंगे, मुझे पहले इतना बता दो सभी बच्चे कि मैंने कैसे उसे चैट में, ठीक है। अब मैंने देखा 12 और 4 में क्या कौन से पाड़े में आ जाएगा, और एक तो x बाहर आ गया क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, ठीक है। तो मैं इसको मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 तिया 12 होगा, 3x आ गया क्योंकि एक x बचेगा, और यहाँ तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बेटा क्या कॉमन आएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मैंने माइनस, अगर बीच में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 1। अच्छा माइनस 1 क्यों लिखा मैम, प्लस 1 है बेटा, देखो माइनस 1 कॉमन लिया है ना, अगर मैं इसको इससे गुना करूंगी तो माइनस 3x बनेगा, और माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करूंगी तो प्लस 1 बन जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पर बेटा ब्रैकेट में माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉमन है, यस, इनको एक साइड लिख लिया, बचा हुआ क्या 4x माइनस 1, ये दो इसके फैक्टर हो गए, सिंपल। क्या मेरी बात आप समझ आई है सभी बच्चों को, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को लेकर कहां पर डाउट आ रहा है ये बताओ, बता दो जरा किस किस बच्चे को डाउट है मेरे, ओके ठीक है, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग दीजिए, आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन है बेटा आपको बताना है, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 2x³ - 2x - 1, आपको मुझे बताना है कि जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है ना या नहीं, आपकी चॉइस है, लॉन्ग डिवीजन यूज करो, आपकी चॉइस है सब्स्टिट्यूशन यूज करो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, करो जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है बेटा, ये आपको बताना है। चलो बताओ जरा, यस और नो, 2 मिनट है आप लोगों के पास। ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया है आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। मैंने x प्लस 1 को बेटा क्या लिखा, मैंने इसको पहले इसका जीरोस निकाल लिया, माइनस 1 आ गया मेरे पास, तो मैंने p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 1 - 1 है, तो मैंने लिखा -3 × -1³ - 1² 2 × -1 - 1 ठीक है। तो अब आपने क्या लिखा, माइनस 1 आया, -1² है, तो यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ से देखो -1 - +2 - 1, तो -2 + 1
प्लस टू माइनस वन, प्लस टू और माइनस टू ने आपको जीरो दे दिया और वन और माइनस वन ने भी आपको जीरो दे दिया, सिंपल ये कट गए तो कितना आ गया जीरो। तो मैं क्या कहूंगी बेटा, यस ये इसका फैक्टर है, यस एक्स प्लस वन यानी कि जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स पॉलिनोम। क्या अब मेरी बातें समझ आने लगी या थोड़ा इंटरकनेक्ट करने लगे हो बच्चों, या अभी भी किसी को डाउट है बता दो जरा चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चा बता दो जरा। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, क्या डाउट है बेटा बता दो जरा। मैम आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लिख दो। कौन से मल्टीप्लिकेशन रूल? जैसे प्लस के गुना माइनस से करेंगे ऐसे मैम। अच्छा प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो भी प्लस का आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं माइनस का साइन आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं माइनस का साइन आता है, ये चालू होते हैं। ठीक है चलिए ओके बच्चे। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने लॉन्ग डिविजन दिखाया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास देखेंगे, मतलब इससे आगे क्या क्या गया तो हम अपने आपके लिए पढ़ी उसी के लिए पढ़ रहे थे आपके सेट के एग्जाम के लिए, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।